दोस्तों पटेल डिजिटल ट्रिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, जो ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर्स हैं जो ये प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। और वह परेशानी क्या है, जैसे कि मोबाइल को हीटिंग होना और मोबाइल फ़ोन का हैंग करना, ये दोनों प्रॉब्लम को लेकर एंड्रॉयड यूजर्स काफ़ी परेशान रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपका मोबाइल ख़राब नहीं होता है और आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपका फ़ोन हीटिंग और हैंग करता है और कुछ आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप गलती नहीं करेंगे, जिससे आपका फ़ोन हीटिंग और हैंग नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप गलती करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं और मैं स्टार्ट कर लेता हूं इस वीडियो को। मेरा नाम सुनील पटेल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटा है तो इसको दबा लें। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी पहली गलती क्या होती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी होती है आपको उसको 2 से 3 GB के बीच में खाली नहीं रखते हैं। कम से कम आपके मोबाइल में 2 GB स्पेस खाली रहना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वह एप्लीकेशन 5 से 10 MB के बीच में होती है, लेकिन आप उस एप्लीकेशन को लंबे समय से यूज कर रहे होते हैं तो वह 300 से 400 MB के बीच में हो जाती है। अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं होता तो आपका मोबाइल हीट और आपका मोबाइल हैंग करता है। इसलिए कहता हूं कि आपके मोबाइल में 2 से 3 GB के बीच खाली रहना ही चाहिए, जिससे आपका मोबाइल हीट और हैंग नहीं करेगा। दूसरे स्टेप क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करना है और आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। तो चलिए मैं अपना सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको MIUI ये जो ये दिया है इसमें आपको 7 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है। अगर किसी का सैमसंग, सोनी, वीवो, ओप्पो है तो उसका बिल्ड नंबर दिया होगा, आप उसको बिल्ड नंबर पे क्लिक करना 7 बार। तो मेरा MI का है तो इसलिए ये और मेरे में ये ऑप्शन है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ 7 बार। 7 बार जल्दी जल्दी क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। आपको अपने डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ, ये मैं एडिशनल सेटिंग में चला गया। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद मेरा डेवलपर ऑप्शन ये है, लेकिन जो सोनी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो को होगा उसका डेवलपर ऑप्शन ऐप लॉक की जगह में दिया होगा यहाँ पे। तो मैं अपना डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद मेरे को सर्च करना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका फ़ोन 2 GB का है, 2 GB रैम है, तो आपको प्रोसेस फर्स्ट में क्लिक करके रखना है। अगर आपका 3 GB फ़ोन है तो आपको प्रोसेस 2 में क्लिक करके रखना है। अगर आपका 4 GB है तो आपको 3 प्रोसेस पे क्लिक करके रखना है। तो इसलिए जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपका फ़ोन हीटिंग और हैंग नहीं करेगा और आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। दोस्तों दूसरी सेटिंग में क्या करना है, दूसरी सेटिंग में आपको ऊपर जाना है, वहाँ पर विंडो एनिमेशन में क्लिक करना है। जो यहाँ पे विंडो एनिमेशन है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके में यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं क्लिक करना, आप इसको एनिमेशन ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आपको ये एनिमेशन स्केल में जाना है, इसमें तो आपको इसको भी ऑफ कर देंगे, ठीक है, इसको भी ऑफ कर देंगे। और तीसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, आप इसको भी यानी ऑफ कर देंगे। इन तीनों को ऑफ करने का मतलब क्या होगा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बहुत स्लो ओपन होता है, जब इनको एनिमेशन ऑफ कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फास्ट खुलने लगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी खुलने लगेगा, जिससे आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों तीसरा स्टेप क्या है, चलिए मैं आपको तीसरा स्टेप बता देता हूँ। जैसे आपका मोबाइल बड़े बड़े एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाता है तो आपके मोबाइल के लिए वो बना ही नहीं होता है और आप फिर भी उस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल फेसबुक का ले लेता हूँ। फेसबुक क्लिक कर दिया। फेसबुक में क्लिक करने के बाद उसका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फेसबुक जो यानी कुछ लोगों के मोबाइल में फेसबुक जैसे वो इंस्टॉल कर लेते, ओपन करते तो उसका मोबाइल हैंग कर लेता है। अगर किसी का मोबाइल हैंग करता है फेसबुक ओपन होने के बाद तो वो फेसबुक का लाइट वर्जन डाउनलोड कर ले। लाइट वर्जन क्या होता है, जो यानी छोटे एंड्रॉयड यूजर्स होते हैं वो उसके मोबाइल के लिए ये बना होता है। आप यहाँ से मैसेंजर लाइट भी डाउनलोड करते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल हैंग और हीट नहीं करेगा। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।